नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। सिंगर और एक्टर यू यू हनी सिंह मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल उनकी पत्नी शालिनी तलवार ने हनी सिंह के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया है। पत्नी शालिनी तलवार ने सिंगर पर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत याचिका दर्ज करवाई है। दिल्ली के 30,000 कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। 30,000 कोर्ट की मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने हनी सिंह के खिलाफ एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें 28 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें, शालिनी तलवार की तरफ से याचिका वकील संदीप कपूर, अपूर्वा पांडे और जीजी कश्यप ने फाइल की है। कोर्ट ने हनी सिंह के खिलाफ एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें 28 अगस्त से पहले रिप्लाई फाइल करने की बात लिखी है। दोनों की ज्वाइंट प्रॉपर्टी को ना बेचने और स्त्री धन से छेड़छाड़ ना करने पर भी हनी सिंह पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें, शालिनी तलवार के फेवर में ही ऑर्डर पास किया गया है। पत्नी शालिनी तलवार की तरफ से दर्ज कराए गए मामले में कहा गया है कि उन्हें मारा पीटा जा रहा है, साथ ही उन्हें मानसिक तौर पर भी प्रताड़ित किया गया है। उन्होंने अपने पति के अलावा उनके माता पिता और बहन पर भी आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि हनी सिंह और शालिनी तलवार ने 20 साल की दोस्ती और प्यार के बाद साल 2011 में शादी की थी। सिख रीति रिवाज से दिल्ली के गुरुद्वारे में दोनों की शादी हुई थी। इसके बाद फार्म हाउस पे रिसेप्शन हुआ था। हालांकि इस शादी के बारे में बाहर के लोगों को कोई खबर नहीं हुई थी। बीच में हनी सिंह का नाम फेयर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 5 की कंटेस्टेंट डियाना उप्पल के साथ भी जुड़े थे, लेकिन हनी और शालिनी का रिश्ता नहीं बदला था। इसके बाद दोनों की शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थी और डियाना के साथ हनी के रिश्ते पर विराम लग गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।